ए बी सी डी पेंटागन है, आपको क्या प्रूव करना है? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। कुछ कुछ पॉलीगन लॉ जैसे फील नहीं आ रही भाई? पॉलीगन, पॉलीगन में एक फर्क होता है, पॉलीगन में बताऊँ क्या फर्क होता है? ये ऐसे वेक्टर नहीं होता, ये क्लोजिंग साइड होती है। ये देखो ये सारे कॉन्टिन्यूस साइड्स हैं, पर पॉलीगन में आखिरी साइड क्लोजिंग साइड होती है जिसका डायग्राम ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये क्या गिवन है? ई ए वैक्टर। अगर मैं एरो उल्टा कर दूँ, चलो मैंने कर दिया, तो मैं यहाँ पर पता क्या लिखूंगा? अब इसका नाम ई ए वैक्टर नहीं रहा, माइनस ई ए वैक्टर हो गया, नेगेटिव वैक्टर कर दिया। मेरा वेक्टर ई ए वेक्टर था, मेरा जो वेक्टर था वो ये था, ये था, इसका नाम क्या था? ई ए वेक्टर। मैं ये चाहता हूँ कि ये एरो उल्टा हो जाए, तो इसका नाम क्या रखना पड़ेगा? माइनस ई ए वेक्टर। अच्छा, पॉलीगन लॉ क्या कहता है? पॉलीगन लॉ कहता है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर इक्वल टू क्लोजिंग साइड माइनस ई ए वेक्टर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाओ, आंसर जीरो आ गया, ठीक तो हो गया। तो मतलब अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर सी डी वैक्टर डी ई वैक्टर इज क्लोजिंग साइड, और क्लोजिंग साइड यहाँ पर ये है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना, प्रूव हो गया, खत्म, अप्लाई पॉलीगन लॉ। सही समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? वैसे मैंने तो कैसे किया, मैंने ट्राइंगल लॉ ले लेके किया। मैंने कहा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, मतलब ये जो वेक्टर है वो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के इक्वल है। फिर ये ऐड किया तो नया वेक्टर बना ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, कर करके किया, जरूरत ही नहीं था, पॉलीगन लगाओ काम खत्म। ठीक है चलो कोई बात नहीं, लंबा हो गया कोई बात नहीं, ये तो होमवर्क दूंगा, इसको घर से सोच के आना है, है ना? ऐसे ट्राइंगल लॉ कर करके कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे आप भी। नेक्स्ट, वो कह रहा है कि अ बॉय ट्रेवल्स 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो ये एक वेक्टर देख रहे हो नॉर्थ का, ये रहा, ये वेक्टर आपने ड्रॉ करने होते हैं पेपर में, ये मैं नहीं दूंगा बना के, तो इसमें बना के लाया हूँ। तो एक वेक्टर आपने नॉर्थ की तरफ ड्रॉ करना है, तो ये रहा नॉर्थ जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, और 7 ड्यू ईस्ट, तो एंड देन 7 मीटर ड्यू, तो इसके बाद जाने के बाद 7 मीटर ईस्ट मुड़ गया, पहले इधर गया फिर इधर चला गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है? अरे डिस्प्लेस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, तो वे तो वैसे ही पाइथागोरस से हो ही गई, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सही है। अब डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए मैंने ये एंगल क्या अज्यूम कर लिया? थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा? 7 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.7। अब वैल्यू तो पता नहीं, तो टेन इनवर्स 0.7, वैल्यू पता है तो लिख देना, नहीं पता तो कोई बात नहीं, 0.7, तो टेन इनवर्स 0.7, लेकिन एंगल किसके साथ बना? या तो लिखो 10 मीटर के साथ बना, नॉर्थ के साथ बना, आपकी बुक्स में लिखा होता है नॉर्थ ईस्ट, ये देखो ये एंगल नॉर्थ का, नॉर्थ के साथ बना टूवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ के साथ बना, तो नॉर्थ पहले आएगा, ईस्ट की तरफ गया, नॉर्थ ईस्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो कैसे मार्क करने समझ में आ रहा है? जैसे ये लो, क्या क्वेश्चन है? फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 6 न्यूटन ईस्ट एंड 8 न्यूटन नॉर्थ। ये देखो 6 न्यूटन ईस्ट 8 न्यूटन नॉर्थ, रिजल्टेंट बनाए, पैरेललोग्राम बना दो, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, ये रिजल्टेंट हो गया, डायगोनल पाइथागोरस 6 8, तो ये 10, रिजल्टेंट 10 आ गया। और एंगल निकालने के लिए ये बीटा ले लो, टेन बीटा, पैरेललोग्राम में टेन बीटा क्या है? 8/6, 1.33, टेन इनवर्स 1.33, लेकिन लिख देना एंड में ये एंगल किसके साथ बना? अलोंग 6 न्यूटन फोर्स के साथ एंगल बना, ये लिखना पड़ेगा किसके साथ एंगल बना, किसी भी टर्म में लिखो लेकिन लिखना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे सोचना है इसमें? कोई डाउट इसमें? तो ये असाइनमेंट आपकी होमवर्क है, ये आप ट्राई करके आएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है जो आज हमने डिस्कस किया।